लाइव yes, नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूं ज्योति बुदिया और आज का मार्केट देख के सबका क्या हाल हो रहा है दुखी हो पोर्टफोलियो इज कहती हूँ स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें नहीं तो ट्रेडिंग पे स्टॉप लग जाएगा या तो मेरी ये बातें सीरियसली किसी ने ली नहीं या उनको लगा कि नहीं मार्केट अभी तेजी का है ज्योति ऐसे ही बोल रही है कुछ तो है नहीं तो पोर्टफोलियो ब्लीड क्यों होता चेहरे की हंसी गायब क्यों होती सबकी और हर बार मैंने बताया कि देखिए मार्केट कैसा चल रहा है इंडाइसिस कौन से आज सेक्टर वाइज इंडाइसिस कौन से वीक है उस वीक से आपको क्या करना है निकलना है उसमें रहना है क्या करना है उनके बारे में देखिए समझिए और पोजीशंस मैंने ये भी कहा कि मार्केट नाइनटीन थाउजेंड से ट्वेंटी टू थाउजेंड आ गया हम रुक तो नहीं सकते हमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी हम ट्रेडर्स हैं ट्रेडिंग तो करनी पड़ेगी लेकिन ये जरूर कहा था कि हम क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे आप देखिए मुझे मेरे जो वीडियोस मैं लाइव में आई उसमें देखिए मैंने कहा है कि हम क्वांटिटीज रिड्यूस कर देते हैं इतनी कम क्वांटिटी करेंगे कि हमारा काम भी हो जाए ट्रेडिंग की खुजली भी खत्म हो जाए और पॉकेट को जो है वो लॉस ना के बराबर हो हमारा पॉकेट दुखी ना हो देखिए क्या ट्रेड रोज करना जरूरी है हर महीने करना जरूरी है या जब ट्रेड मिले तब ट्रेड करना जरूरी है चलिए बताइए मुझे इसमें आप क्या कहेंगे क्या ट्रेड रोज करना जरूरी है हर महीने करना जरूरी है या जब मिले तब करना जरूरी है आपका क्या आंसर है इस बारे में मैं देखना चाहती हूँ यस फ्रेंड्स क्या कहते हैं मैं जवाब की वेट कर रही हूँ क्या जवाब आ रहा है कि ट्रेड रोज फर्स्ट रोज करना चाहिए जरूरी I'm... है महीने जब जब ट्रेड मिले तब जब ट्रेड मिले तब ये बात आज समझ में आ रही है जब मैं रोज कहती थी कि अभी मार्केट ट्रेडिंग का नहीं है या इंट्रा करके निकल जाओ या इतनी छोटी क्वांटिटी करो कि अगर पोजीशन रह भी जाए तो हमें ऐसा लगे ही नहीं कि हमने बहुत बड़ी पोजीशन की है या बड़ा काम किया है आज मैं आपसे इतना ही सिर्फ कह सकती हूं कि मुझसे बहुत बार एक सवाल उठाया गया है मेरे पे कि फ्रेंड्स साढ़े तीन के बाद बताना तो बहुत आसान है बट लाइव मार्केट में बताओ मार्केट बिगनिंग में बताओ तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगी कि आज तक नहीं बताया उसके पीछे बहुत से बातें थी लेकिन अब ये सवाल ने मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया तो बट नेचुरल मैं आज इसका जवाब देखी मैं ये नहीं कहती कि मैं हंड्रेड परसेंट राइट होती हूं और यह कोई हो ही नहीं सकता लेकिन अगर मैं नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ काम करूं तो क्या बुरा है तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूं जो मैं हर बार दिखाती हूं उसी के हिसाब से लेटर्स प्रोसीड अड और अब मैं आपसे ये भी कहती हूँ आप मुझे बताते जाइएगा आपको सब कुछ दिख रहा है फिर भी इग्नोर क्यों किया मुझे उसका रीजन आज आप लोग लिखेंगे कि आप लोगों को सब दिख रहा था फिर भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों नहीं की गई लॉस क्यों नहीं बुक की किया गया स्टॉप लॉस क्यों नहीं डाला गया इग्नोर क्यों किया गया मुझे इन चार चीजों का जवाब आज आप लोगों से चाहिए और ये जवाब ही आप लोगों को आने वाले टाइम में फिर से जब ऐसा होगा तो वो बचा ले जाएगा राइट right? हम मार्केट में कमाना चाहते हैं कि खोना चाहते हैं कमाना चाहते हैं ना तो कमाई अपने हिसाब से होगी मार्केट बोलता है तब करो जब आप चाहते हो कि मुझे ट्रेड करना है वो नहीं होता तो चलिए हम आपसे डिस्कस करते हैं कुछ दिखाते हैं आपको ये देखिए आज सबसे पहले सुबह सुबह मुझे एनर्जी सेक्टर में अभी आप बोलेंगे कि ये तो पांच परसेंट अभी डाउन था मैं आपको दिखाती हूँ पंद्रह मिनट पहले जब पहले का पंद्रह मिनट था और सिर्फ डेढ़ टका डाउन था अब यहाँ पे आप एक सिक्सटी वन ई एम ए देखेंगे मेरे दिख रहा है आपको सिक्सटी वन ई एम ए पंद्रह मिनट में बिल्कुल मैंने इस पे कोर्स बनाया हुआ है आप इसकी वीडियो देख सकते हैं और ये देखिए आज ये पहला पंद्रह मिनट में कितना परसेंट डाउन था यहां देखिएगा यहां देखिएगा कितना परसेंट डाउन था ये यहां देखिए और मुझे बताइए कितना परसेंट डाउन था ये पहले पंद्रह मिनट मतलब सवा नौ से साढ़े नौ करीब करीब एक से डेढ़ परसेंट डाउन एनर्जी स्टॉक्स में क्या क्या आता है आपके एन आएंगे कोल आएगा या कोई भी उस टाइप का टाटा पावर है कोई भी अब मैं डे के स्ट्रक्चर में आती हूँ डे के स्ट्रक्चर में मैंने कितनी बार बताया है इसको अभी बंद कर देती हूँ टाइमिंग के लिए कि अगर ओपन हाई होता है तो क्या वो बाइंग का डे होता है नहीं ना ये ओपन हाई कब से चल रहा है कंटिन्यू भाई साहब मैं दो तीन दिन चार दिन नहीं आती हूँ गड़बड़ कर देते हो ना रोज रोज जाने का टाइम कहाँ से निकालो ये देखो ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है ना सिर्फ छ पॉइंट का फर्क है फिर इसके बाद मेटल मेटल देखिए फ्राइडे सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन दिन में मेटल की यह हालत थी है ना देखिए और ये तो दिख रहा था चलो ये आपसे छूट गया मंडे को एनगल्फिंग बैरिश दिख रहा है ना एनगल्फिंग बैरिश का लो तोड़ा तो मेटल स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए और सेम स्ट्रक्चर अगर आपको टाटा स्टील जिंदा स्टील या जिसमें भी दिखे तो लेट से टाटा स्टील टाटा स्टील में सेम स्ट्रक्चर है देखिए सर्कल है ओपन हाई का बिल्कुल ओपन हाई है अब ओपन हाई और इसके साथ में मैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ वही चीजें मैं यूज करती हूँ जो आपको सिखाती हूँ और वो जो आपको सिखाती हूँ वो ही यूज करती हूँ बस इतना ही कह सकती हूँ इससे ज्यादा नहीं कह सकते तो इसमें हम डालते हैं टाटा स्टील चलिए जिन्होंने आज तक सेशन अटेंड किया मुझे यहाँ पे क्या दिखना चाहिए टाटा स्टील में रेजिस्टेंस दिखना चाहिए और रेजिस्टेंस में क्या दिखना चाहिए हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट राइट तो चलिए हम ये देखते हैं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे था टाटा स्टील में वन सिक्सटी पे था यस माय फ्रेंड्स वन फिफ्टी 150 पे हाईएस्ट कॉल था और उससे भी ज्यादा उसके 155 और सबसे ज्यादा 160 था ना हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस मैंने पिछले सेशन में भी बताया था आज फिर बता रही हूं ध्यान रखना ऑप्शंस को ऑप्शन चेन के अंदर ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं तो देखिए 160 के आसपास ही ये प्राइस है ओपन और हाई सेम है शॉर्ट अप आप आपको यहाँ पे कहीं दिखा होगा और क्या मुझे बताने की जरूरत है आगे क्या हुआ है और यहाँ पे देख लो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है एक यहाँ पे बन रहा था लेकिन वो अनबाइंड हो गया अब यहाँ पे बन रहा है 140 प्राइस अभी कहा चल रही है 140. 2.50 का लो बना है वैसे ही बैंकिंग स्टॉक देखिए इसमें प्राइवेट बैंक बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर है राइट पीएसयू बैंक के क्या स्ट्रक्चर है दिख रहा है ये पीएसयू बैंक का स्ट्रक्चर है मंडे का राइट अब इसी के अंदर मैंने एक ट्रेड निकाला था और मैंने जैसे आपको कहा था कि आ, मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार किया गया है कि साढ़े तीन बजे बताना बहुत आसान है पहले बताओ तो जाने तो मैं आपको एक दिन एडवांस में बताती हूँ ये बैंक ऑफ बड़ोडा बैंक ऑफ बरोड़ा क्या शेप ले रहा है हाईएस्ट यहां से रेजिस्टेंस भी ले रहा है ये देखिए और जो जो मैंने आप लोग को आज तक सिखाया है वो ही बता रही हूं मैंने ये पॉइंट के ये पॉइंट के साथ लिया है और यहाँ पे क्या दिया है चलिए आप बताइए क्या है यहाँ पे कमॉन हु विल टेल मी ऑन हु विल टेल मी क्या क्या है यहाँ पे बताइए बताइए क्या दिख रहा है यहाँ पे कौन बताएगा क्या यहाँ पे नेगेटिव डायवर्जेंस नहीं दिख रहा किसी को प्राइस यहाँ पे सेवेंटी के ऊपर है आरएसआई और यहाँ पे सेवेंटी के नीचे राइट सबको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है राइट मूविंग ये एम में, में नेगेटिव क्रॉसओवर दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है इसके बेस पे मैंने एक शॉट का कॉल बनाया था और सिर्फ देखिए आपके साथ शेयर कर रही हूं क्योंकि मैं ये गाइडेंस देती हूँ इसलिए मैंने शेयर कर रही हूं बताने के लिए से कि भाई अगर हम स्टडी करें ना तो ट्रेड साढ़े तीन के बाद नहीं साढ़े नौ नौ के भी पहले निकल के आता है और ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ोडा बैंक ऑफ बड़ोडा और इसको अगर मैं अवरली चार्ट में देखती हूँ तो अवरली चार्ट में इसने मुझे डबल टॉप फॉर्मेशन दिया था विथ नेगेटिव डाइवर्जेंस ये भी आपको दिखा दू कैन सी दैट ऑल ये सब दिख रहा है ना आप लोगों को ये दिख रहा है ना सब और वो ब्रेकडाउन हुआ था और ये क्या मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कुछ नहीं दिखाना चाहती हूँ शॉर्ट बिलो दिया है ना टू सेवेंटी सिक्स और ये मेरा ही दिया हुआ है इसका प्रूफ यहाँ पे मेरा नाम है बीके ट्रेनिंग अच्छा शॉर्ट बिलो टारगेट अच्छा स्टॉप लॉस भी है टारगेट भी है रीडिंग सारा का सारा वही है जो आपको दिया है यहाँ पे पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन है उसी तरीके से आज कल मुझे एसीसी मिला था सेम स्टडी स्टडी में कोई चेंजेस नहीं है माय फ्रेंड्स निफ्टी स्टॉक्स है या सीमेंट स्टॉक्स है या जो भी सेक्टर वाइज स्टॉक्स है मेरा स्टडी का स्टाइल सेम ही रहेगा तो ये कल की फॉल है तो कल की फॉल मुझे क्या बता रही है अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो कैन आई गो शॉर्ट येस और नो यू ओनली टेल मी अगर ये प्राइस इसके नीचे जाती है तो कैन आई गो शॉर्ट और नो यस और नो बाकी सब ने... नेगेटिव है, जबकि यहाँ से आर ऑलरेडी नीचे जा चुकी है मैं सिर्फ आप लोगों से कुछ जानना चाहती हूँ और यही चीजें यही स्टडी जो है ये आपके भी काम आएगी बोलिए इस इसके इस लाइन के नीचे जाता है तो मैं शॉर्ट कर सकती हूँ ये कल की बनाई हुई चीज है राइट और ये मेरा दिया हुआ सुबह छह बजे पब्लिश हुआ मैं आपको बता देती हूँ ऐसा नहीं है कि साढ़े तीन सुबह छह बजे पब्लिश हुआ और क्या पब्लिश हुआ शॉर्ट एसीसी बिलो टू फाइव फाइव जीरो था मेरा मैंने कहा ना इसके नीचे दैट इज टू फाइव फाइव जीरो राइट टू फाइव फाइव जीरो के नीचे शॉर्ट करने पर स्टॉपलॉस के साथ ट्रेड है मैं इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ तो फॉलिंग मार्केट है ये आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ तो एक बात बताइए मेरे फ्रेंड्स क्या ऐसी सिचुएशन में मुझे बाइंग ढूंढना चाहिए क्या मुझे बाइंग का ट्रेड ढूंढना चाहिए मुझे कौन अब अब एक आपको एक सिंपल सा एक लैंग्वेज में बात करती हूं जब बहुत तूफान आ रहा होता है ह्यूज अगर आप स्टॉम की डायरेक्शन में चलेंगे तब जल्दी पहुंचेंगे या उसके अगेंस्ट में चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे रिप्लाई मी स्टॉम की डायरेक्शन में आप पहुंचेंगे तूफान की डायरेक्शन से आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे कि की, उसकी अगेंस्ट वाली डायरेक्शन पकड़ेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे यस yes. क्या कहते हो तो जब मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड सेलिंग का है ऐसे में मैं बाइंग के स्टॉक्स ढूंढूंगी तो फास्ट मूवमेंट किधर आएगा बाइंग में या सेलिंग में और शॉर्ट करने के लिए मैं लॉस या हेज के साथ अगर काम करती हूँ तो क्या गलत है पुट बाय करती हूँ क्या गलत है और एक चीज और बताते हैं चलिए इसपे मैंने वीडियो भी बनाया है बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा शायद इसी वीक में अगर मैंने एक पुट बाय किया कोल इंडिया का फोर हंड्रेड का एट वन सॉरी वन सेवेंटी किया था वन सेवेंटी मुझे तो नहीं मालूम इसका भाव साढ़े सात हो जाएगा कि क्या हो जाएगा और आज ही हो जाएगा ये बात तो मैं तो नहीं जानती ना तो ऐसी सिचुएशन में भाव जब थ्री का आता है और उसका प्राइस भी वन पॉइंट सेवेंटी हो जाता है और वो टाइम पे इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट फाइव या थ्री था तो मुझे क्या मैंने क्या किया ये पुट सेल कर दिया राइट और क्या कर दिया ये बाय किया ये सेल किया और इसको बेर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया अब आप सोचोगे मैं क्यों बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप भी कर सकते हो यहां पे मैं बुक करती तो कितना पैसा मिलता मुझे सेवेंटी एटी या वन रुपी ऐसा कुछ मिल जाता लेकिन इससे ज़्यादा प्रॉफिट में खड़ा नहीं हुआ जाता आई नो दैट लेकिन अब मैंने क्या किया स्प्रेड को जीरो स्ट्रेटजी बना दी मेरी रिस्क नेग्लिजिबल हो गई ना के बराबर हो गई ब्रोकरेज या टैक्सेस जो लगे वो लगे मार्जिन जरूर लगेगा लेकिन मार्जिन वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल कीप जो मार्जिन होती है उसका वन थर्ड लगता है अब जो मार्जिन मुझे लग रही है वो तो रिफंडेबल है क्योंकि लॉस तो इसमें मुझे है ही नहीं और ये स्ट्रैटेजी है इसलिए स्ट्रैटेजी को ऐसे मत काटो कि जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो काट लूं और जिसमें लॉस हो रहा है वो खड़ा रखूं वो अगेन गलत काम हो जाएगा पूरी स्ट्रैटेजी साथ में काटूंगी एक दिन दो दिन और गिरेगा उसके बाद देख के काटेंगे राइट तो ये देखिए कोल इंडिया में या एनर्जी मैंने कहा था ना आज एनर्जी वगैरह सब डाउन थे तो स्टार्टिंग से ही एनर्जी एनटीपीसी में क्या क्या मिल रहा था कोल एन टाटा पावर तो सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूं अगर आप भी इसी तरीके से स्टडी करके काम करें तो आई बी द हैप्पीएस्ट अब आप सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया मैंने इतने ऊपर में जाके और ये वाला क्यों किया बिकॉज यहाँ पे एक तो ये था और सबसे बड़ी बात 2000 की लॉट थी वो टाइम पे ये वाला प्रीमियम अगर पंद्रह रुपया है तो मैं इतना हाई प्रीमियम क्यों दू मैं चार पांच हजार का रिस्क ले रही हूं वाय वो भी आपको बताती हूँ वाय बहुत बार ऑप्शंस में बता चुकी हूँ इस बात को कि मैं जो रिस्क लेती हूँ एक मिनट सॉरी ये पांच सो चार सो राइट वन सेकेंड वही मैं कहूं कि कोल का भाव चेंज क्यों नहीं हुआ अभी यहां पर कोल का भाव अगर मैं देखती हूँ हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहा है 450, 460 पे है क्या आप लोग को दिख रहा है क्या ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है 450, 460? Everybody can see, कैन सी राइट शॉर्ट आया with कॉल एट रेजिस्टेंस और highest कॉल ओपन इंटरेस्ट मतलब highest पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है you all कैन सी दिस दिस इज द highest पुट ओपन इंटरेस्ट इस बेस पे क्या स्ट्रेटजी बन सकती थी कि मतलब अगर वहां पे मुझे चार सौ का कॉल एक रुपया सत्तर पैसा तो जिसे आज की डेट में हीरो जीरो भी बोलते हैं तो वैसा भी ट्रेड ले सकती हूँ व्हाट से इज इट अ डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी विच एप टॉट क्या ये स्ट्रेटजी डिफिकल्ट है और मुझे एक और लोग बोलते हैं कि लाइव मार्केट में सिखाओ फ्रेंड्स लाइव मार्केट तो मेरा भी होता है ना कहाँ से टाइम निकालू हाँ गाइडेंस देते रहती हूँ थोड़ी बहुत जितना मुझसे बनता है लेकिन लाइव मार्केट में अटेंड करना बहुत डिफिकल्ट है मेरा खुद का भी काम चलते रहता है और यही चीज में बताने की कोशिश करू आपको भी अगर मेरे साथ जुड़ना है तो आप अफसर को कांटेक्ट कीजिए और ये रेगुलर वे में जुड़ सकते हो ऐसा नहीं है कि खाली मैंने आपको बोला आपने मुझसे यहां पे पूछ लिया कर लिया यहां पे फिर आपका फिर टू वे कॉन्टैक्ट टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है और इसमें मैं आपको है ना यस डू वी हैव एनी क्वेश्चन नो मैम ऐसे सभी क्वेश्चंस नहीं है बट uh, आपकी बात से सभी लोग अग्री कर रहे हैं और uh, हरीश जी ने लिखा भी है मैम अनबेरेबल लॉस हो चुका अब आप बताइए मैंने मैंने ट्रेड लेने की जल्दी की है कि मैं स्टडी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ आप लोग को लगता होगा कि ये जो चीज है मैं गलत बता रही हूँ या मान लो साढ़े बजे के बाद बताना बहुत आसान है तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ सॉरी मैं अपने वैसे ट्रेड्स डिस्क्लोज करती नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ स्टडी वही है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ओपन हाई जैसा है माहौल क्या बाय कोल इंडिया 400 पुट एट 1.70 और एक रुपए से करके दिया है उसमें भी स्टॉप लॉस दिया है मैंने ऑप्शंस में भी स्टॉप लॉस लगाती हूँ और टारगेट इतना अब जैसे ही वो टारगेट पहुंचा तो मैंने क्या किया जैसे ही वो टारगेट पहुंचा तो मैंने मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था ये रहा मेरा नेक्स्ट स्टेप कि दो जू अंडरस्टैंड स्ट्रेटजीज कैन नाउ कन्वर्ट देयर बेर पुट ऑफ पुट बाय फोर हंड्रेड टू बेर पुट स्प्रेड बाय सेलिंग थ्री नाइनटी पुट एट वन पॉइंट सेवेंटी तो मैंने यहां पे क्या लिखा यही तो लिखा और इसका कॉस्ट जो है वो जीरो कर दिया अभी मैं खड़ी हूँ आराम से देखेंगे क्या होता है होल्डिंग पावर आ गई ना जहां मैं सिर्फ एक रुपए में प्रॉफिट बुक कर रही थी मैं कोशिश करूंगी अगर चार पांच रुपए मिल जाए दो हजार इक्कीस सौ की लॉट है भाई पांच सात हजार रुपए आ जाए तो अच्छी बात है ना मैं हंड्रेड परसेंट ट्रेड में सक्सेस किसी को नहीं मिलती बट फिफ्टी सिक्सटी परसेंट भी मिल जाए तो आई एम वेरी हैप्पी फ्रेंड्स हंड्रेड परसेंट किसी को नहीं मिलती ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक और मैंने ये सेशन कल था कल के कारण आज पे पोस्टपोन करवाने का रीजन भी यही था क्यों शुभ मैंने आपसे कहा था कि ये सेशन आज पे पोस्टपोन करो कल मार्केट में मुझे और ज्यादा गिरावट दिख रही है तो उन लोग को सबको समझा पाऊंगी कि कैसे कर रहे हैं वो लोग उनको क्या क्या देखना चाहिए क्यों कर रहे हैं वो लोग सिर्फ बाइंग यस yes, exactly. आपने ये बात तो कही थी और मेरे पास भी गया तो फिर मैं भी ऐसे शौक में ही था अरे तो, आप लोग ये सोचते होंगे अगर मैं कल आके आपको बता देती और आप लोग ऐसे सौदा कर लेते ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज Because... हाँ ठीक है ठीक है और देखते रहते और आज जब लॉस होता तो क्या मैं आपको मिलती आपके साथ डिस्कशन करने के लिए आपको ये सब बताने के लिए फ्रेंड्स ऐसा है कभी कभी लोगों को ये आप लोगों को लगता होगा मैं बहुत रूढ़ हूं आप लोग के साथ में तो भाई पैसा जाता है ना तो आंखों से आंसू नहीं निकलते आत्मा से निकलते हैं आत्मा से अंदर से हम रोते हैं किसी को दिखाई नहीं देता ऐसी हालत होती है और उससे बड़ी बात किसी को बोलने लायक नहीं रहते हैं क्योंकि अगला यही पूछेगा कि लॉस हुआ कैसे स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया तो दैट इज वॉट तो सब लोग अब मेरे से एक और पूछते हैं चलो एक अभी एक शुभ डू वी हैव एनी क्वेश्चन मैम बेरपुड स्प्रेड की लोग डिटेल्स मांग रहे हैं तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि जल्दी मैम ने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है एक इन इन डेप्थ वीडियो है एक्चुअली तो वो अभी एडिट में गया हुआ है तो मैं बताता हूँ फ्राइडे तक हम प्लान कर रहे हैं रिलीज कर दे आप सभी के लिए तो जितना जल्दी हो पाएगा हम आप तक वो वीडियो पहुंचाएंगे मैम ने अपनी साइड से पूरा काम कर दिया अभी हम लगे हुए फिर हम जल्दी जितना अच्छा जल्दी हो आप तक पहुंचाएंगे एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है क्या एक क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है क्या मैं उसको आंसर कर सकती हूँ प्लीज. किसी ने लिखा है की आप ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री में सिखाते हो तो कोर्स में स्पेशल क्या है भाई कोर्स में ऐसा है की मैं आपकी हैंडहोल्डिंग कर सकती हूँ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ एडवाइजरी नहीं गाइडेंस इस तरह की चीजें आपको अगर मान लो ये दिक्कतें आती है या सुबह आपको ऐसा दिख रहा है कि इसमें ये चीज है तो आप ये किससे पूछने जाओगे यहाँ पे तो मैं बोल के निकल जाऊंगी फिर आप मुझसे कैसे पूछोगे तो कोई पूछने वाला किसी से कोई डिस्कस क्या होता है ना जब हम अपनी तकलीफें किसी से डिस्कस करते हैं और उसका कोई सोल्यूशन हमको मिल जाता है या कुछ तो भी रिप्लाई स्टॉप लॉस मिल जाता है कि भाई स्टॉप स्टॉप लगाओ ये करो वो करो कुछ भी हमको एक बात करने का जरिया मिल जाता है तो वो काफी हेल्पफुल रहता है और उसी में ही जब सीखा बात करते हैं तो दो तो चीजें सीखने को मिली जाती है बस यही कह सकती हूँ और तो क्या है यस yes, मैम बिल्कुल सही कहा आपने काफी सही कहा और जिनको भी ऐसा लगता है कि मैम से इंटरेक्ट करने से या मैम के नॉलेज से काफी कुछ उन्हें लर्निंग से सीखने को मिलता है तो ये मेंटोरशिप का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये अभी अगले वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा सो so, अगर आप लोग अच्छा, को अच्छा एनरोल एक और बात आप यस मैम यस मैम और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक मिनट ना आप अपना कंटिन्यू करिएगा जस्ट वन सेकेंड ना पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ अब हम सब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं राइट क्या निफ्टी का स्ट्रक्चर वैसा था इतना खराब था ओके, okay. क्या बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर इतना खराब था लेकिन यही जब मैं मेटल देख रही हूं तो मेटल का स्ट्रक्चर देखिए एनर्जी का स्ट्रक्चर देखिए कितना खराब है देखिए क्या ये चीज आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में आज दिखी इस टाइप का सिनेरियो, राइट तो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीछे ही क्यों भागते हैं पैसा तो स्टॉक्स में भी है राइट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ निफ्टी आप देखो मैं आप मेरे इतने सारे लाइव देखते हो मैं कितना खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बोलती हूँ तो मैक्सिमम ज्यादा करके सेक्टोरल पे ज्यादा बोलती हूँ ना सेक्टोरल और उसके साथ स्टॉक्स पे यस यस शुभ आप कुछ बोल रहे थे यस uh, मैम yes, तो अभी मेरे को इसमें मेरे को लगता है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि मैम के पास कितना नॉलेज है और अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंक का नॉलेज आपकी ट्रेडिंग जर्नी

लिंक uh, डिस्क्रिप्शन में है और पेंड कमेंट्स में भी डाला हुआ है एंड uh, मैम काफी सारे व्यूअर्स हैं फ्रेंड्स ऐसा है, मेरा एक है. अगर फ्यूचर ट्रेड करूंगी तो विदाउट एज नहीं करूंगी अगर मैं ऑप्शंस भी करूंगी तो उसको कोशिश करके स्प्रेड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल क्या रहता है कि अपने को मार्केट से पैसा कमाना है लेकिन मार्केट हमको देगा या नहीं देगा वो अलग चीज है लेकिन सबसे पहले मैं ये देखूं कि मेरा लॉस कैसे कम से कम हो जाए और मैं अपने आप को सेव कर दू तो मैं प्रॉफिट में लंबा खड़ा रह सकती हूँ मुझे मैं कभी भी लाखों करोड़ों की बात नहीं करती हूँ मेरा हमेशा से यही है कि हमें मार्केट में टिके रहना है मार्केट में कमाना है और मार्केट में उतना कमाना है कि जितने से हमारा काम चल सके हमारा घर चल सके उसके लिए ट्रेडिंग है वेल्थ कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स है और इन्वेस्टमेंट्स जो है आज की तारीख में मैं जो देख रही हूं कि इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम है और जब हम बाय का कॉल भी देते दे लेटर से मैंने कुछ बाय करने के लिए दिया तो वो तब बाय नहीं करेंगे जब वो ऑलरेडी बीस पच्चीस परसेंट बढ़ जाएगा तब अब बाय कर सकता हूं तो वैसी सिचुएशन में आके हम भी क्या कहें मैंने इसी के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बनाया है आप लोग उसे जरूर देखेगा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जहां पे मैंने एस मेथड से पोर्टफोलियो बनाने की एक चीज बताई है और उसे ट्रेडिंग के से पैसा निकालना और एस में डालना ये दोनों चीज देख के आपको मजा आएगा देखिए तो सही और ऑफ कोर्स अभी आपको एक बात बताऊं आरएसआई के वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक्स आए हैं तो उसमें जो लाइक्स और कमेंट्स आए हैं मतलब सबको आरएसआई वाला वीडियो पसंद आया है मैं अब उसका एडवांस वर्जन बनाऊंगी जिस वीडियो में सबसे ज्यादा मुझे लगेगा कि लोगों को इंटरेस्ट है उनको सीखना है मैं उसी का एडवांस पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री एडवांस में बहुत आगे तक ले जाऊंगी लेकिन आप लोगों को सीखना है यस अच्छा, मैम uh, yes, uh, काफी कुछ कुछ सवाल आने लग गए हैं तो uh -huh. मैं सवाल लेने से पहले uh, सभी व्यूअर्स को एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम वन लाख सब्सक्राइबर्स का मार्क टच करने वाले हैं बहुत जल्दी आप सभी के प्यार के साथ और आप सभी के सपोर्ट के साथ सो so, आप जिनने भी चैनल पे जो नए आए हुए हैं अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जो दोस्त हैं ट्रेडिंग वाले अगर उन्हें नहीं पता है तो उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में ताकि मैम का नॉलेज उन तक भी पहुंच पाए ओके मैम मूविंग टू क्वेश्चन ये uh, हम आगे बढ़ते हैं रघुवंश जी का है फ्रॉम देखिये ट्रेंडिंग का ट्रेंडिंग के अंदर अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे डिस्टेंस चाहिए मिनिमम एटलीस्ट फाइव परसेंट टू तो टेन परसेंट तो वो ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा अगर सेम स्ट्राइक प्राइस है तो मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड जैसा लगता है ऐसा हमको लगता है और उसी हिसाब से हम उसमें काम करने की ध्यान रखते हैं मान लो जैसे अभी टाटा पावर पे मैंने देखा था कि चार के स्ट्राइक प्राइस पे कॉलर पुट थे तो टाटा पावर जो है चार सौ की रेंज में मूव हो रहा है तो इस तरह से वो मुझे बीस प्लस बीस माइनस पच्चीस प्लस पच्चीस माइनस दिखेगा लेकिन यही

अभिनव जी हैं वो पूछ रहे हैं कि कितने एक आइडियल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं हमारे पोर्टफोलियो में मतलब कितने रखने चाहिए हमें या मैक्सिमम क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने रखने चाहिए हमें मतलब कितनी कंपनियां हमें दस पोर्टफोलियो बारह में रखनी पंद्रह दस बारह पंद्रह ओके okay. और देखिए अभी तो सॉरी टेक इट लाइटली आज की तारीख में सब इन्वेस्टर बन गए हैं कल का पता नहीं <laughs>

मस्त है अब इसमें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना के रख सकती हूँ बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा ऐसा ये नहीं है ट्रेंड लाइन ठीक से नहीं बन रही और अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन बन भी गई है तो इसलिए एक सेकेंड इसमें अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाती तो ट्रेंड लाइन तो बन के टूट गई खत्म काम राइट दो दिन से ओपन हाई ओपन हाई था अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है आपको सब सब कैंडल स्टिक पैटर्न सब अच्छे से दिख रहे हैं ना अभी यस अब सब दिखाई दे देंगे क्योंकि अब फंस गए ना यहाँ पे एक अब उसके बाद में फिर स्विंग जो पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस लोज है उनको अगर मैं टच कराती हूँ तो मेरे ये सपोर्ट्स बनते हैं बट ये सपोर्ट मेरे काम के तब है जब प्राइस मुझे इन सपोर्ट के पास में ओपन लो के आसपास मिले तब मैं बाय करूंगी अगर आप मुझे कहोगे कि बाय करना है ये लेवल पे तो मैं बाई अभी नहीं करूंगी और अगर हाँ हो सकता है कल अगर ये मुझे ओपन लो मिल जाए तो मैं शायद बाय कर लू विद स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस बिलो दिस लाइन राइट हाँ विदाउट स्टॉप लॉस मैं कभी ट्रेड नहीं करूंगी मैम नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो आ रही है वो आरुष जी की आ रही है टाटा स्टील के बारे में थोड़ा जा रही है। जी बिल्कुल बताइए पूछिए पूछिए क्या पूछ रहे थे

ओके, आई होप उनका डाउट क्लियर हो गया हो uh, मैम नेक्स्ट मूविंग uh, संदीप जी का क्वेश्चन है कि मैम प्लीज एक्सप्लेन आई थिंक रघुवंश जी सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं और मैं ऑलरेडी हाँ? जवाब दे चुकी हूँ कि सेम एचपीओआई और एच पे अगर है तो मार्केट जो है रेंज बाउंड जैसा लगता है उसमें मैं कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले सकती

एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर में है कैंडल रेजिस्टेंस पे है मुझे डार्क क्लाउड कवर दिया है अगर कल इसका लो तोड़ेगा तो सोचेंगे नहीं तो लो तोड़ा तो नहीं सोचेंगे शॉर्ट करने का ओके ऑलरेडी लाइन बनी हुई है ओके ओके मैम संदीप जी पूछ रहे हैं एसबीआई का चार्ट देख सकते हैं कॉ शॉर्ट साइड अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन डिफिकल्ट है थोड़ी इसलिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे अब अब क्या है यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करती हूँ माय फ्रेंड तो आपको एक समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे कहीं आएगा ये कैंडल के हाई पे आएगा और टारगेट ये है तो रिस्ट रिवॉर्ड चेंज हो जाता है रिस्क बढ़ जाता है रिवॉर्ड चेंज हो जाता है तो अगर ये इसके नीचे जाता है तो मैं इसको शॉर्ट करूंगी क्योंकि तब मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट जो होगा वह यहां तक फिर भी आ जाएगा क्योंकि इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर मैंने ये स्विंग पिछले वाले बार वाला ले लिया ओके यहां तक और प्लस ये जो ये जो रेंज है यहां वाली इसको भी अगर मैं यहां तक लेके आऊं तो भी प्राइस उसी के हिसाब से नीचे आती है तो जब तक कि अब इसको ब्रेक नहीं करेगा आई विल नॉट शॉर्ट जाना होता तो मैं पहले ही चली जाती लेकिन उसकी जगह इसीलिए तो मैंने बैंक ऑफ बड़ोडा दिया था ना और बैंक ऑफ बड़ोडा का ऑलरेडी मेरा दो टारगेट अचीव हो चुका है मेरी प्रॉफिट बुक कर रही हूं मैं उसमें मैं अब जो है नया जब मुझे ब्रेकडाउन मिलेगा तब शॉर्ट करूंगी नया ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा तब तक शॉर्ट नहीं करूंगी ओके okay, तो आई गेस ये आनंद कुमार जी का ये आंसर हो जाता है क्वेश्चन वो भी एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ोडा एंड कोल इंडिया का ही पूछ रहे हैं मैम नेक्स्ट कैन यू एक्सप्लेन सेल बाय एट वन फोर्टी शुड आई होल्ड सॉरी कैन यू एक्सप्लेन सेल अ मतलब वो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाय एट वन फोर्टी फाइव चलिए आपने इस पे अब मेरा जो पहला क्वेश्चन यही है कि आपने इस पे इसको बाय किया इसका ओपन हाई भी नहीं देखा कोई बात नहीं चलो आपने नहीं देखा उसके बाद सेकेंड डे भी ओपन हाई था वो भी नहीं देखा आज भी ओपन हाई था आज भी नहीं देखा तीनों तीनों दिन मिस कर गए बाय कर रहे हो और सेलिंग दिख रही है आपने बाय किया कॉल ठीक है चलो मैं सब आपकी बात मानती हूँ अब मुझे बताइए बताइए आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया अब आप मैं कैसे आपको बोलू, होल्ड किस बेसिस पे आपको होल्ड बोलू जबकि भाव वन अगर आप भी जाता है दो पांच दिन में या एक दिन में आने के लिए इसको मिनिमम थर्टी पर रुपीज राइज होना पड़ेगा थर्टी रुपीज राइज होने का मतलब 20% क्या आपको लगता है कि 20% अगर ये 10 डेज में राइज़ हो भी जाएगा तो आपकी प्रीमियम आपको वापस वो क्यों वही मिलेगी सर यही तो मैं बताना चाहती हूं कि जब आप ऑप्शन बाय करते हो या ऑप्शन सेल करते हो तो एटलीस्ट इन चीजों को थोड़ा सा देख लो शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप हाईएस्ट कॉल किधर खड़ा है हाईएस्ट पुट कहां पे खड़ा है ओपन हाई ओपन लो थोड़ा बहुत देख के चलिए तो आपके ये मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो जाएंगे यस मैम दैट्स व्हाट आई कैन से ओके यस मैम पारस जी का है एलएनटी फाइनेंस शेयर What's it? कोड का ही मुझे याद नहीं रहता है कई बार एल टी एफ मुझे इसका कोड निकालना पड़ेगा मैं भूल जाती हूँ सॉरी यस yes. हाँ हाँ इसमें क्या पूछा था uh, मैम स्टॉक पे व्यू चाहिए उन्हें ये आई गेस बाय कर सकते हैं नहीं थर्टी के नीचे कुछ दे दिया आ, दे भी पूरा नेगेटिव भी है अभी तो और ये जो है ये एक यहाँ पर ये सपोर्ट तो दे रहा है भाई मुझे छोटा सा बट बत... सब्जेक्ट टू कल इस ये सब ओपन हाँ, लो के आसपास होना चाहिए हाईएस्ट पोर्ट ओपन इंटरेस्ट के पास होना चाहिए इसमें कोई बाइंग तो दिखनी चाहिए माय फ्रेंड या जी मैम मैम अभी तो इस पर तो काफी ज्यादा क्वेरीज आई जा रही है अभी ये देखते हैं तो आपको भी लग रहा होगा की क्योंकि मैं आज लगता है 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 लगता मार्केट्स में काफी हलचल रही है, तो फिर सबके हैं और अच्छा ये भी एक क्वेश्चन बहुत लोगों को होता है कि ओपन हाई ओपन लो तो मार्केट बंद होने के बाद पता चलता है क्यों साढ़े ये जो हम डेली का कैंडल देखते हैं तो उसकी पहली टिक से ही कंस्ट्रक्शन तो चालू हो जाता है ना कैंडल का और साढ़े नौ तक हमको आइडिया आ जाता है ना कि मार्केट ने क्या हाई बनाया क्या लो बनाए उसके थोड़ा सा ऊपर तक का या नीचे तक का जो भी है स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं ना हमको साढ़े तीन तक ही वेट करने की क्या जरूरत है ऐसा करते जाएंगे तो रोज साढ़े तीन तक वेट करिए कहीं ना कहीं तो फिर वो देखना है ना हमें मार्केट को राइट यस यस मैम का डाउट ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे एंड मैम अभी एक दो तो और ले सकते हैं uh... तो बलराम चीनी आ, का थ्री सेवन पे होल्ड करें बलराम चीनी का ऑप्शन पे होल्ड करें चलिए आप बताइए होल्ड करें आर एस आई इज बिलो थर्टी एंड मैंने एमएससीडी एस सी विथ आर एस आई का वीडियो बनाया है उसको बहुत लोगों ने देखा है फिर से देखिए पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर स्टॉक को वीक बनाता है अगर नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर है अब आप मुझे बताइए कि क्या इसको होल्ड करना चाहिए इस कॉल को और इसमें स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा सॉरी मैं मैं के, मैंने कहा ना मैं थोड़ा रूड बोल चाहती हूँ ऐसी सिचुएशन में लेकिन दर्द होता है भाई पैसा जाता है तो यस मैम एग्जैक्टली मतलब जो भी वीडियोस से नॉलेज आप सभी को मिल रही है प्लीज अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए अपनी ट्रेडिंग हर दिन इंप्रूव करिए मतलब जस्ट उसे मैं, देखने के उससे ना देखें मैं ये क्यों कर रही हूं क्योंकि मैं जितनी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ ले सको तो अच्छी बात है नहीं ले सको तो पैसा तो भैया आपका ही है ट्रेड आपका है पैसा भी आपका है मैं तो अपना काम कर ही रही हूं Yes, मेरी इनकम पे नजर मत रखो खुद के लॉस और प्रॉफिट पे नजर रखो माई फ्रेंड्स और मैं आपको रोज बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि एक बार बता के निकल गई रोज आ रही हूँ रेगुलर आ रही हूँ रोज हर बार सैटरडेड संडे बैठ के आप लोग के लिए फुल फुल डेज वीडियो बना रही हूँ फिर उनको एडिट होने में टाइम तो लगता ही है चलिए yes, और और कोई क्वेश्चन है हमारे पास मैम वेस्ट तो मेरे को ऐसा लग रहा है बढ़ती ही जा रही है क्योंकि तो आज सभी के स्टॉक्स और पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज़्यादा ही ले हैं तो एक लास्ट डाउट भी ले लेते हैं एच पे मैम प्लीज आपका व्यू शेयर कीजिए जिगर पटेल जी का डाउट है, है बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें अभी तक तो अगर इसका हाई क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा कल का आज का हाई क्रॉस किया तो नीचे लो क्रॉस किया तो नीचे बिल्कुल साइडवेज था एकदम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है अगर आप देखो तो सब चीज बिल्कुल फ्लैट मोड में चल रही है है ना क्या बोलू एकदम फ्लैट मोड में चल रही है ना यस yes, मैम इस तरह से बनाते जाइए चलते जाइए ये देखिए को ज्वाइन कर दीजिए जिस साइड ब्रेक ब्रेक दे उस साइड हो जाना ओके यस yes, मैम तो मैम uh, आजकल आज आजकल लाइव हम यही का रखते हैं एंड ऑल्सो इसी के जस्ट बाद एक वीडियो भी लाइव होने वाला है मैम का ही वीडियो है मैम साइकोलॉजी की बात करेगी उसमें थोड़ा कि जैसे मतलब ऐसे सिचुएशन जैसे आज की हुई थी तो उस टाइम पे अपना माइंडसेट कैसे रखें और धीरे धीरे ओवरऑल मार्केट मूवमेंट्स के लिए अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करें कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग काफ़ी बार गलती कर देते हो जाने अनजाने में तो और मैम ने भी ऐसी कई गलतियां अपने पूरे जर्नी में एक्सपीरियंस करी है तो मैम ने अपनी उन सारी गलतियों के साथ जो भी सीखा है वो उनने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है तो वो वीडियो से आप भी बिल्कुल सीखेगा एंड मैम आई एक और स्टॉक बता रहे हैं आईटीसी मैं आज uh... एक चीज रही आईटीसी आज गैप अप था अगर देखा जाए तो आईटीसी गैप अप ऑलमोस्ट गैप अप होके गैप गैप ओपन हाई है फोर थर्टी फाइव फोर थर्टी एट राइट आप देख रहे हो कि मेरे इसमें ना ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई है पहले से ये आज की बनाई हुई नहीं है ये सब पुराने इसके हिसाब से ही बनाई हुई है राइट तो ये जो बनी हुई लाइंस है ये ही बता रही थी मुझे सुबह कि भाई इसमें आज भले ये सात परसेंट ऊपर एंट्री हुआ है लेकिन इसमें ट्रेड करने जैसा नहीं है ऊपर हुआ है तो शॉर्ट बेल्टअप दिखाएगा नहीं और हिम्मत नहीं हुई सात परसेंट ऊपर खुला तो पुट बाय करने की इसलिए भाई इसे छोड़ दिया और ये जो है ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है काफी आज का ये चल रहा है काफी टाइम से और अगर इसके नीचे गया तो थोड़ा वीक हो ही जाएगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दे रहा था लेकिन ये ओवरनाइट ऐसा जंप करेगा ये तो उम्मीद किसी को नहीं थी बट एक चीज बताऊं जब गैप अप ओपन होता है पांच पांच परसेंट दस दस परसेंट बीस बीस परसेंट गैप अप ओपन होता है और वहां पे वो टिक नहीं पाता तो इट इज

और उसके बाद भी आज तक ये स्ट्रगल ही कर रहा है इतना गैपअप होके तो ये चीजें मैंने बहुत बार देखी है जब इतना ऊपर पांच परसेंट दस परसेंट ऐसे गैप अप ओपन होते हैं ना तो मैं उनमें बहुत केयरफुल होने लग जाती हूँ राइट तो आगे से अगर ऐसा कोई स्टॉक दिखे तो ध्यान रखिएगा कि उनको ट्रेड करने के पहले चार बार सोचिए अगर वो ओपन हाई हो जाता है तो उसको बिल्कुल बाय मत करिएगा अगर वो ओपन होता है तो शायद थोड़ी क्वांटिटी छोटी सी कैश में बाय करके स्टॉप लॉस लगा के देखिए आप दस में से कितनी बार राइट होते हैं और कोई क्वेश्चन हमारे लिए मैम क्वेश्चंस तो कई सारे हैं बट आई गेस हमारा आज का समय पूरा हो गया है तो आज का लाइव हम यहीं तक करते हैं तो फ्रेंड्स आ... अच्छा बोलिए बस तो फिर हम भी विदा लेते हैं ना आपसे बिल्कुल बिल्कुल मैम बस बस जाते जाते मैं सभी व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा जिन्हें भी ऐसा लग रहा है मेंटरशिप करने का तो आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरी आती है अगर मेंटरशिप के रिलेटेड या उसको ज्वाइन कैसे करना है तो वरना हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप डायरेक्टली वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं मैम का मेंटोरशिप सेशन थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स सी यू नेक्स्ट वीक और वीडियोस देखते रहिएगा मुझे बताते रहिएगा कौन से वीडियो का आपको एडवांस वर्जन चाहिए आपको क्या सीखना है वीडियोस के नीचे कमेंट्स डालिएगा थैंक यू बाय नमस्ते